मैं रिजवान चीमा आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ पार्क्यो सिटी इस्लाम आबाद आज के इस वीडियो में पार्क्यू सिटी इस्लामाद के जो सबसे तरीन ब्लॉक है जो सबसे एलिवेटेड ब्लॉक है सबसे अच्छा ब्लॉक है ब्लॉक ई उसके वाले से एक्सप्लेन करूंगा और ब्लॉक ई e में किन साइजेस के प्लॉट्स हैं ब्लॉक की लोकेशन क्या बनती है एंड ब्लॉक ई क्यों इतना फीजेबल है फॉर लिविंग परपज़ इस हवाले से एक्सप्लेन करूंगा पार्क यूसिटी डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट खरीदना हो फॉर लिविंग परपज डेफिनेटली कंसिडर करना बनता है क्योंकि आम इस्लामाबाद में जो आम तौर पर प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे तकरीबन वन थर्ड प्राइस पर आपको यहाँ प्लाट मिलता है फॉर अगर यहाँ पे प्लाट है छह करोड़ रुपये का तो आम इस्लामा में आपको अठारह से बीस करोड़ रुपये का कनाल का प्लाट मिलेगा जीरो पॉइंट के पंद्रह मिनट के रेडियस के अंदर अब बात करते हैं जी पार्क पार्क सिटी के इस ब्लॉक को स्पेसिफिकली क्यों इतना मैं अहम कह रहा हूं इतना क्यों अच्छी चीज की तारीफें कर रहा हूं इस ब्लॉक की तरीफें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ब्लॉक ई जो है ब्लॉक ई सबसे ज्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है पार्क सिटी का और यहां पे सबसे अच्छी कटिंग के प्लॉट हैं सबसे अच्छी कटिंग से, से मतलब है कि एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको टेरेसिस ब्लॉक मिलते हैं टेरेसिस प्लॉट्स होते हैं जो फ्रंट और बैक ओपन होते हैं और बैक से आपको जो पार्क सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पार्क सिटी का डाउनटाउन कमर्शियल उसकी विजिबिलिटी मिलती है स अभी ये जो आपको हाइट नज़र आ रही है ये हाइट जो है ये इससे ज्यादा इंक्रीज होनी है क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके प्लाट पर थर्टी फीट की हाइट एड हो जाती है जब थर्टी फीट का नंबर एड होगा तो डेफिनेटली जो अभी एलिवेशन आपको नजर आ रही है इससे बेहतर एलिवेशन ही होगी अब पार्किटी का ब्लॉक कीजिए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाल के प्लाट्स हैं किसी दूसरी कटिंग के प्लाट नहीं है ऑपोजिट साइड पे ब्लॉक ई के बिल्कुल दूसरी तरफ आपको डी ब्लॉक मिलता है जहाँ पे दो कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इस साइड पे यानी आप साउथ साइड पे कह लें साउथ साइड पे आपको एफ ब्लॉक मिलता है जहाँ पे पांच मरला के प्लॉट भी हैं दस मरला के प्लाट्स भी हैं और एक कनाल के प्लाट्स भी हैं बट बेटर लेट सिर्फ ई e ब्लॉक की बात करते हैं ई e ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक किनाल के प्लाट के साथ साथ आपको पेर प्लाट के साथ साथ आपको टेरेसिज प्लाटे मिलते हैं यानी कि किसी और सोसाइटी में आपको इस तरह के ऑप्शन नहीं मिलते कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर फ्रंट और बैक ओपन यानी कि बैक साइड से भी आपके जो रूम्स होंगे उनकी आपकी एलिवेशन वेंटिलेशन हर एक प्लाट कॉर्नर प्लाट काउंट होता है टेरेस प्लॉट का मतलब यह है कि हर एक प्लॉट जो है टू साइड ओपन है फ्रंट और बैक ओपन तो उससे प्लॉट के अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है अब ई ब्लॉक की इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ई e ब्लॉक जो है बिल्कुल आप कह लें कि डाउन टाउन मर्कज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन ढाई से तीन सौ हाइट पर है अब डाउन टाउन मर्कज के अंदर लट से कि आठ मरला एक कमर्शल प्रोजेक्ट बनता है ग्राउंड प्लस सिक्स का या ग्राउंड प्लस सेवन का तो वो वो सिक्सटी या सेवेंटी फीट हाइट पर होगा ऑलरेडी आप उस जो प्लाजा बनने के बाद भी उससे तकरीबन एक सौ तीस फुट हाइट पर बैठे हुए हैं तो आपको जो विजिबिलिटी मिलती है शाम के टाइम पर जैसे आप मनाल जाते हैं इस्लामाबाद के फेमस पॉइंट है मुनाल. तो मुनाल की एक वाइद खूबसूरती है कि इस्लामाबाद आपको नीचे सारा जो इस्लामाबाद का है बिल्कुल क्लियर नजर आता है उनको पार्क के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी जो भी आपको या नेबरहुड होगा मोनाल टाइप व्यू होगा वो यहां से मिलेगा इस वजह से इस ब्लॉक की बहुत ज्यादा अहमियत है इसके साथ साथ ब्लॉक ई में जो एकनाल के प्लाट्स बन रहे हैं इनमें जो विलास बनेंगे जो घर बनेंगे डेफिनेटली वो आम इस्लामाबाद की नस्बत ज्यादा सरीन है ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है और उनकी वन थर्ड प्राइस पे है आप इस्लामाबाद के अंदर किसी से अच्छे सेक्टर में जाते हैं सी के तो आपको एवरेज प्लाट जो मिलता है स्पेसिफिकली ई सिक्स में जो बिल्कुल मार्गला फेसिंग प्लाट्स हैं तकरीबन आपको पच्चीस करोड़ से लेकर अप टू फिफ्टी फाइव करोड़ तक प्लाट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ प्लाट अब उससे वन थर्ड वन फोर्थ या वन फिफ्थ प्राइज पे या वन टेंथ प्राइज पे सम केसेज में ये जो प्लाट्स आपको मिल रहे हैं ये एक साल के पेमेंट प्लान पे हैं इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है या तो कैश पर ले सकते हैं या एक साल के पेमेंट प्लान पर ले सकते हैं तो अगर कोई इंडिविजुअल चाहे अपना घर बनाने के लिए उसको सरीन इन्वायरमेंट चाहिए हो सबसे अच्छी लोकेशन चाहिए हो जो फिजिकली आप देख भी सकते हैं ये उस लिहाज से सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है अब जिन मेम्बर्स के पास यहाँ पे प्लाट हैं डेफिनेटली उनमें से मेरा ख्याल के बहुत सारे लोग जो हैं उसको बेचना चाहते होंगे अनटर अनलेस उनके प्लाट की लोकेशन भी बहुत अच्छी ना हो अदरवाइज इस प्लॉक के अंदर आपका प्लाट पर घर बनाना जो है वो एक डेफिनेट सी बात है क्योंकि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो तो आप किसी और जगह पर घर बनाने कंसडर नहीं कर सकते क्योंकि आपको अम्यूनिटीज़ भी सारी जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस में मिलती हैं यानी डाउन टाउन मर्कज़ आपके वॉकिंग डिस्टेंस है इसके साथ साथ आप इस्लामाबाद के उस एरिया में हैं कि आप जीरो पॉइंट से पंद्रह मिनट के रेडियस में आप अगर इस्लामाबाद में जॉब करते हैं इस्लामाबाद में आपका बिजनेस है आप इस्लामाबाद में डेली कम्यूट करते हैं डाउन टाउन में जीरो पॉइंट काउंट करता हूं सरीना होटल से दस मिनट पंद्रह मिनट की ड्राइव हो या जीरो से दस मिनट की ड्राइव हो तो आप इस्लामबाद में कहीं भी आसानी जा सकते हैं उस लिहाज से इसकी सरनिटी जो है उतनी अहम बन जाती है अब पार्किंग सिटी में जो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पार्किंग सिटी में आपको पांच मल्ला से पांच मल्ला दस मरला और एक किनाल और दो कनाल के प्लाट्स मिलते हैं अभी सोसाइटी ने इसके अलावा जो है कुछ बड़े प्लाट्स भी लॉन्च करने का फैसला किया है जो हाई रेस्ट अपार्टमेंट के प्लाट्स होंगे जो दस दस कनाल के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के प्लाट होंगे आठ आठ कनाल दस दस कनाल के जिन पर भी फ्यूचर में आपको हाई रेस्ट बिल्डिंग या वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आपने इस्लाम आबाद के अंदर क्योंकि इस्लाम एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के अंदर दिन ब दिन ज़मीन कम होती जा रही है और ये पार्क सिटी इस्लाबाद से नहीं है कि पैंतीस मिनट की ड्राइव या तीस मिनट की ड्राइव पर है बिल्कुल इस्लाम के दिल के अंदर है अगर इस्लाम के दिल के अंदर की बात करें तो बिल्कुल नेटिवली साथ देखें तो आपके बिल्कुल साथ ही आपको प्रोजेक्ट मिलता है वेरियन क्लेव जो पाकिस्तान का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में से एक है बैरी टाउन उसके साथ साथ आपको चक शजाद में जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रिमस हैं जहाँ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं आपकी आई की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे वैसे भी आपकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं तो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन हेल्थ केयर और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी कह लें कि दस से पंद्रह मिनट के रेडियस में है उस लिहाज से पार्क्यू सिटी में जो लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी है मुझसे आमतौर तौर पर लोग जब पूछते हैं कि इस्लामाबाद में अगर लिविंग के लिए कोई प्लाट लेना हो कहीं पर रहना हो तो कौन सा एरिया फिजिबल बनता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्क्यू सिटी सबसे फीजिबल है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन कि पार्क यू सिटी आपको देखें अगर आप विज़िट करते हैं पार्क यू सिटी अब राइट हो जिस जगह से फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एरिया जो आम ग्राउंड लेवल से ऑलमोस्ट तकरीबन छः सात सौ फीट की हाइट पे है यानी इस्लामाद अगर नॉर्मल एरिया से हाइट में होता है तो इससे तकरीबन सात सौ फुट एरिया ये ऊंचा बनता है तो इससे अंदाजा लगा लें कि एलिवेशन कितनी अच्छी है अब इसी ई e ब्लॉक के कंपैरिजन में मैं दूसरे कुछ ब्लॉक है वो बैकग्राउंड में नजर आ रहे होंगे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक देख लें तकरीबन डेढ़ सौ फुट का गैप आता है डी ब्लॉक देख लें तकरीबन आपको चालीस फ़ुट का गैप आता है पीछे एफ ब्लॉक है तकरीबन तकरीबन तीस से चालीस फुट का गैप वहाँ भी आता है यानी वो इतने इतने फीट उनकी हाइट जो है इस ब्लॉक से कम है तो इस लिहाज से पार्क सिटी का जो ई ब्लॉक बनता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बनता है इन टर्म्स ऑफ लिविंग बिफोर गोइंग इन डिटेल सबसे पहले मैं आपको गूगल लोकेशन पर और प्लस मैप पर एक्सप्लेन करता हूँ कि एरिया कहाँ बनता है बाकी बातें वीडियो में आगे जाकर बता दूँगा पार्क सिटी इस्लाम का मास्टर प्लान देखते हैं मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो स्पेसिफिकली वो इस ब्लॉक के हवाले से है अब इस ब्लॉक में अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको प्लॉट्स नज़र आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पचास बाय नब्बे या एक नाल के प्लॉट्स नजर आते हैं और जो मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी टेरेसिस प्लॉट्स की जो इस्लाम में आपको आमतौर तौर पर किसी हाउसिंग सोसाइटी में देखने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टेरेसिस प्लाट्स वो होते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिकली पट्टी होती है या एक स्ट्रीट होती है जिसकी एलिवेशन इतनी अच्छी होती है कि फ्रंट और बैक उसे ओपन रखा जाता है तो ये वो टेरेसिस प्लॉट हैं अब ये टेरेसिस हाउसेस जो हैं यहाँ पे अगर प्लॉट खरीदते हैं तो आपको जो डाउनटाउन टाउन है जो पार्क सिटी का डाउनटाउन बनता है मैं अगर इसको मैप को थोड़ा लाइट कर दूँ ताकि मेंबर की अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन जस्ट मैं गूगलर थो थोड़ी सी इमेजेस सेट कर लूँ अब ये जो आपका ये ब्लॉग ई की प्रेमिसज है सारी अब ब्लॉक ई के अंदर जितने आपको फॉर एग्जाम्पल ये देखें ब्लॉक ई की एलिवेशन ये पीछे डाउन टाउन की एलवेशन इमेजिन करें कि इस जगह पे आप जब घर बनाओ जैसे ये वाले इंडिविजुअल का घर बना हुआ है यहाँ पे तो इस घर से आपको बैल्कनी से आपके घर की विंडो से आपकी हर रूम की विंडो से इनफैक्ट आपको जो व्यू मिलेगा जैसे हम मनल पर जाते हैं मनल है, इसलिए एक इस्लामाद में लोगों का एक स्पेसिफिकली पिकनिक पॉइंट बन गया है कि वहाँ से आपको शाम के वक्त पूरे इस्लामबाद का व्यू मिलता है तो जब वो लाइटें और गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आती हैं बड़ा अच्छा मेसमोराइजिंग व्यू होता है सेम गोस दिस कि आपको अपने घर से मनॉल का व्यू गा तो ये इस लिहाज से पार्क सिटी ब्लॉक ई की एलिवेशन बहुत अच्छी बनती है अब ये स्पेसिफिक हाइट है अब देखेंगे स्पेसिफिक एक पहाड़ी है जिसके ऊपर प्लाट्स को लेवल करके कटिंग करके वहाँ पे प्लॉट्स के लिए डायमेंशन तैयार की गई हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ़ एक नाल के प्लॉट्स रखे गए हैं ताकि जिन मेंबर्स के पास इतने फंड्स हों वो अपने प्लॉट पे घर बना सकें उनको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकोमोडेशन मिले अब बात करते हैं थ्री डिग्री व्यू की अब बैकग्राउंड में देखें तो ये एरिया जो है बेसिकली वैली टाइप व्यू है कि आपको चारों तरफ थ्री डिग्री में आप देखें तो आपको सिर्फ सिर्फ पहाड़ देखने को मिलते हैं तो वैली के अंदर वो भी इस्लाम आबाद सिर्फ सिर्फ डाउन से पंद्रह मिनट के रेडियस के अंदर आपको हर फैसिलिटी मिल रही हो तो डेफिनेटली ये वर्थ करता है प्लॉट अगर आपका जितना भी हो करोड़ों में होगा डेफिनेटली तो आपका ये प्लॉट वर्थ करता है कि आप यहां पे प्लॉट पे अपने घर बनाएं अगर आपके पास सब्जेक्ट टू के फंड अवेलेबल हैं और आप यहाँ पर अपने प्लाट पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं आपने आम तौर पर पार्क यू सिटी जब भी विजिट करते हैं तो आपको एक पार्क्यू सिटी की ब्रांडिंग के साथ एक बोर्ड नजर आता होगा यूजली वो ये बोर्ड लगा हुआ है इमेजिन करेंगे ये जो बोर्ड है ब्लॉक डी में लगा हुआ है और इस बोर्ड से तरीबन तकीबा चालीस फुट ऊपर जो है ये ब्लॉक ई आता है तो इससे आप एलिवेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा एलिवेटेड ब्लॉक है इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन क्योंकि एलिवेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बचत होती है कि आपके कम पैसे लगते हैं ज़मीन स्ट्रांग होती है तो पाइलिंग वगैरह का एक्सपेंस नहीं आता दूसरी बात यह कि आपके घर से जो थ्री डिग्री व्यू मिलता है वो बहुत ज़्यादा अहम है अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मैप पे कि ये जो प्लाट्स हैं मैंने व्यू के जिक्र कर दिया थ्री डिग्री कि ये ब्लॉक के अंदर जो मैप प्लाट्स हैं अब अगर चार साइड्स की बात करें तो इस ब्लॉक के नॉर्थ साइड पे जो आपका सेक्टर एफ बनता है ईस्ट साइड पे इसका सेक्टर बी बनता है और सेक्टर ए बनता है और यहाँ पे इसका गेट भी है पार्क पार्कसोटी का याद रखें यहाँ भी मेन सेक्टर ए में दस मरला के प्लाट जो मेन बुलेवर्ड पार्क फेस प्लाट हैं ये भी अवेलेबल हैं अच्छा इसके साथ अगर हम बात करें वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड पर यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से ब्लॉक जी के अंदर चार चार कनाल के जो हैं प्लाट्स हैं लेकिन हम इनको सेल के लिए नहीं दिया गया इसके अलावा चार चार कनाल के प्लाट्स नहीं बल्कि इनफैक्ट ये है आठ आठ कनाल के प्लाट्स हैं यहाँ पे अगर हम बात करें साउथ साइड पर नीचे वाली साइड पर तो यहाँ पे डी ब्लॉक बनता है और डी ब्लॉक के अंदर जो है वो बेसिकली दो, -दो कनाल के प्लाट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी डी ब्लॉक के हवाले से उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अब नियर बाई अम्यूनिटीज़ की बात करें तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ये ब्लॉक है ये जाम मस्जिद है वॉकिंग डिस्टेंस पर ये ब्लॉक है ये नीचे कमर्शल जोन है और यहाँ पर आके नीचे डाउन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी कि ये आपका घर है यहाँ पे और ये आपका डाउनटाउन टाउन है जो इस्लामाबाद के अंदर अपनी मिसाल आपों का क्योंकि इस डाउनटाउन का बिल्कुल एक दुबई दर्ज पे के चारों तरफ कमर्शियल डाउनटाउन की और सेंटर में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक लेक होगी और जो बहुत ज़्यादा मैसमोराइजिंग भी होगा जब ये फाउनटेन वगैरह इंस्टॉल होगी जिसका रिसेंटली भी कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है जब ये फाउनटेन वगैरह इंस्टॉल होगी तो आपको डेफिटली ये जो घर होंगे यहाँ से जो व्यू होगा वो वर्थ करता है एवरी सिंगल पैनी जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इस लिहाज से पार्क सिटी जो ब्लॉक ई है वो सबसे बेस्ट प्लॉट बनता है ब्लॉक बनता है ये सबसे बेस्ट लैंड बनती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस कि अगर आपके पास एक नाल के प्लॉट के फंड्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली यहीं परिक्योर करें और यहीं पर घर बनाएँ क्योंकि इस्लामाबाद में पंद्रह मिनट के रेडियस में इस कॉस्ट में ये जो आपको कॉस्ट पार्क सिटी में प्लॉट मिलते हैं ब्लॉक ई में प्लाट मिलते हैं इस कॉस्ट में रिमेनिंग इस्लाम आबाद की नस्बत आपको वन थर्ड और इन सम केसिज़ वन टेंथ यानी दस गुना कम या तीन चार गुना कम तो प्लॉट की प्राइजेज यहाँ पे मिलती ही हैं अगेन बैक टू एल्थ टाइम फुटेज इस वक्त स्क्रीन पर दोबारा ब्लॉक ई e की और पीछे कुछ पार्शली पार्ट part है ब्लॉक एफ़ की जिसकी लैंड देख सकते हैं एलिवेशन भी देख सकते हैं तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पार्क सिटी में एलिवेशन कंपेरिजन टू आम इस्लाबाद के नॉर्मल इस्लाबाद के कितनी बेहतर एलिवेशन है जैसे वीडियो के स्टार्ट में जिक्र था कि हर आए गुजरते दिन के साथ इस्लामा के अंदर जमीन कम होती जा रही है जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आने वाले दिनों में जिसके पास इस्लाम के सेंटर डाउनटाउन के आसपास जमीन होगी और स्पेसिफिकली इस एलिवेशन के साथ आपको पीछे जो पहाड़ी पहाड़ियों के दरियान ये बेसिकली वैली है पहाड़ों के सराउंडिंग में एक वैली है जहां पर आपको इस तरह का प्लाट खरीदने का मौका मिल रहा है सो विकॉर्ज इस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको पार्क सिटी इस्लाबाद में बुकिंग वाले कुछ मलुमा चाहिए नंबर पर रबा करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोल्यूशन डॉट कॉम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़